हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ट्रैफिक मार्किंग्स के ऊपर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा और बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आप आए दिन देखते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रोड यूज़र नहीं है, हर आदमी रोड यूज़र है। अब क्योंकि अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक मार्किंग्स की, तो अगर हमें ट्रैफिक को एक स्मूथ फ्लो देना है तो वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होंगी। अगर हमें कुछ चीज़ें करवानी है तो हमें खुद भी कुछ करना होगा, और जब बात होती है ट्रैफिक के फ्लो की तो वहाँ पे हमें कुछ पेंट वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा, सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। खैर, आप लोगों ने ये सब देखा है। अगर मैं बात करूँ कि जिब्रा क्रॉसिंग हम बनाते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देना होता तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, नाइट में हम रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पेवमेंट में हम डिज़ाइन करते हैं, कर्ब्स में करते हैं, आइलैंड को यूज़ करते हैं, कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है उनको यूज़ करते हैं। मतलब रोडवे, जिस भी रोड को आपको यूज़ करना है उस रोड की आपको मार्किंग भी बड़े अच्छे से करनी होगी, ताकि जो भी रोड यूज़र है उस रोड यूज़र को पता हो कि मुझे इस रोड का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने के लिए दो से तीन चीज़ें हो सकती हैं। जो भी आप मार्किंग्स कर रहे हो, मार्किंग्स के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। चाहे तो आप वो रोड यूज़र को इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, गाइड करना चाह रहे हो, या वार्न करना चाह रहे हो। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग, जैसे कि मैंने बात की लाइंस, या फिर कोई भी पैटर्न्स आप शो कर दो, शब्दों का यूज़ करो, चिन्हों का यूज़ करो, सिंबल्स या फिर रिफ्लेक्टर्स का, तो कुछ इस तरीके से आप स्पेशल साइन का यूज़ करो ताकि आप ट्रैफिक को रेगुलेट कर सको इजीली। अब ये मार्किंग्स किसके बेसिस पे होती है? ज़्यादातर हम पेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, हाई कंट्रास्ट के पेंट की तो मैं बात नहीं करूँगा, बट कुछ इस कंट्रास्ट को यूज़ करते हैं हम, जो कि एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन को शो करता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेडिशनली हम सिर्फ वाइट एंड ब्लैक का यूज़ करते थे, फिर हमने वाइट ब्लैक के साथ साथ येलो का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और आजकल आपने देखा होगा जो हमारे डिवाइडर्स वगैरह हैं कुछ पिंक कलर के भी हम यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ट्रैफिक का जो भी IS कोड होता है इन सारी चीज़ों को लेके वो स्टैंडर्ड ही बताता है, वो एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बट जब हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्लैक, वाइट, येलो, इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, रोड के अंदर हमारे पास कैरिज बे होता है, कर्व होता है, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से पेंट वगैरह यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम वाइट पेंट का यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होता है, पेंट वाइट पेंट्स क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में हमको बहुत सहूलियत दे देता है ना। हम लाइनिंग की बात करें, मार्किंग की बात करें, तो रोड के अंदर हम लॉन्गिट्यूडनली भी यूज़ करते हैं और उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी करते हैं। जनरली लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स जो करते हैं, जो हम लाइन बनाते हैं, वो लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, जबकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग के, उसी मार्किंग को हम थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर से कम करके लाते हैं, थोड़ी सी थिन होती है। अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन से जो विजिबिलिटी है, एक उपयुक्तता अनुसार जो भी डिस्टेंस के अंदर, वो रोड यूज़र के लिए एक सफिशेंट टाइम प्रोवाइड कर देती है कि उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आजकल तो आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर के अंदर भी हम पेंट करके चलते हैं, या फिर आजकल कुछ इस तरीके के पेंट होते हैं, आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है, उसमें भी हम स्पीड को कम करके चलते हैं। रहता वो सिंपल पेंट है, बट बहुत सारी लाइंस होती हैं रोड के अंदर कुछ इस तरीके की वाइट कलर की। ज़्यादातर आपने टोल वगैरह में देखा होगा, टोल से जब आप निकलते हो कुछ दूर तो इस तरीके की वाइट लाइंस होती है, या फिर जहाँ पे ट्रैफिक रोटरी आना होता है, रहते सिंपल पेंट्स हैं कुछ थिकनेस की, बट जब आप इसके ऊपर से आप टायर निकालते हो ना, तो आपको लगता है कि यार कुछ तो था यहाँ पे जो कि आपके गाड़ी को वाइब्रेशन दे गया। तो अलग अलग थिकनेस होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके के मार्किंग्स हैं जो कि आपके रोड यूज़र को एक गाइड करती है, ताकि एक यूनिफॉर्म ट्रैफिक का फ्लो हो सके। आगे के लेक्चर में हम आगे इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।